গরম কির্চফস ল, জো মে পড়নে যা রা হো হ্যাঁ কির্চফস ল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস চ্যাপ্টার। কির্চফস ল, কির্চফস ল কা কোশ্চেন হর সাল আতা হি হ্যায়, অর কির্চফস ল কা নিউমেরিক্যালস মে দেখ রা পিছলে 2 সাল সে নেই আ রা হ্যায়, পতা নেই ক্যা প্রবলেম হুয়া হ্যায়, বাট ইন জেনারেল উসকা পহলে হাম দেখা হ্যায় রেগুলার বেসিস মে, অন রেগুলার বেসিস মে কির্চফস ল কা হর সাল কির্চফস ল কা উপর নিউমেরিক্যালস আতেই রহতে হ্যায়, রাইট। किर्चॉफ्स लॉ पढ़ने का पहले हमें कुछ कुछ टर्म हमें जानना बहुत जरूरी है। नंबर वन, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क हम लोग किसको कहते हैं वो जानना है। द टर्म इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। क्या होता है क्या होता है जो कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। बहुत सारे कंडक्टर्स जब एक साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क। बहुत सारे वायर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर जुड़ा हुआ है उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। जंक्शन क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टूगेदर इज कॉल्ड जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल look like this, ये एक है, दूसरा एक तार आया इधर से, तीसरा एक तार आया, चौथा एक तार आया, तो क्या होता है दिस इज कॉल्ड अ जंक्शन। जहां पर मान लो एक ही पॉइंट में सारे तार आके जाकर जुड़ के रखा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जंक्शन कह रहे हैं। सो एनी पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर। जहां पर क्या होता है टू और मोर कंडक्टर्स एक साथ ज्वाइन करके रखता है उसको ही हम लोग कहते हैं जंक्शन, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द लूप और मेस। लूप और मेस क्या होता है, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड लूप और मेश। मेश मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जो क्लोज कंडक्टिंग पाथ, कोई कंडक्टिंग पाथ क्लोज करके रखा है, मान लो कोई पेंटागॉन हेक्सागॉन शेप में है, सो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि लूप कहते हैं। ब्रांच किसको कहते हैं, ए ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस, सॉरी लाइज बिटवीन टू जंक्शन, दो ठो का जंक्शन का बीच में नेटवर्क का कोई भी एक पार्ट को हम लोग कहते हैं ब्रांच। नेटवर्क पढ़ लिया, ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। जंक्शन पढ़ लिया, जहां पर क्या होता है टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर। और ब्रांच क्या होता है, नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। तो ये छोटा छोटा टर्म हमें जानना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द किर्चॉफ्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किर्चॉफ्स लॉ। बोलो क्या क्वेश्चन सर। हाँ सर, लूप एक बार। अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ, लूप मतलब वो होता है मान लो क्लोज्ड कनेक्टिंग पाथ, मान लो एक पेंटागन या फिर हेक्सागन या फिर हम लोग एक रेक्टेंगल को भी हम लूप कह सकते हैं। पेंटागन बोलो, हेक्सागन बोलो,
रेक्टेंगल को भी कह सकता है, इवन ट्रायंगल को भी कह सकता है, उसको कहते हैं हम लोग लूप। मान लो ये लूप है, तो इसमें क्या हो रहा है, सारे एरो इधर से ये जा रहा है, ये जा रहा है, लूप में है। बोलो कहां पे तकलीफ है? ठीक है सर। सर हाँ बोलो सर, एक बार इलेक्ट्रिक नेटवर्क बताइए। इलेक्ट्रिक नेटवर्क मतलब बहुत सारे तार जब एक साथ जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर पकड़ लो, कंडक्टर नहीं हो गए, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बहुत सारे वायर इधर उधर से पूरा गया हुआ है, सब जब एक साथ आते हैं, जब एक साथ आते हैं जब एक साथ सब आ जाता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, बहुत सारे वायर जब एक साथ कॉम्प्लिकेटेड होकर बैठा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये कनेक्शन उधर गया, वो कनेक्शन इधर गया, बहुत सारे भर्ती है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। जंक्शन और इलेक्ट्रिक नेटवर्क में डिफरेंस क्या है? जंक्शन होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो होता है वो बहुत ह्यूज होता है, मानो इलेक्ट्रिक नेटवर्क ऐसा करके है, पूरा भर 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 के है एकदम, इधर कनेक्शन है, इधर कनेक्शन है, इधर कनेक्शन है, पूरा कॉम्प्लिकेटेड, कहां से क्या कनेक्शन हो रहा है बोलना ही मुश्किल है, और भी कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो देखो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का फोटो, समझ में आ रहा है? और जंक्शन इन लोग एक पॉइंट में कनेक्ट नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किसका कनेक्शन कहां पर जा रहा है कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जंक्शन क्या होता है, जब टू और मोर कंडक्टर्स आके एक ही पॉइंट में कनेक्टेड होके बैठा हुआ है, ये एक तार है, मिनिमम टू होना पड़ेगा, मैक्सिमम कुछ भी, कनेक्ट होकर बैठा हुआ। ये वाला जो पार्ट है, ये पॉइंट में ज्वाइन होकर बैठा हुआ है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जंक्शन। ठीक सर, हाँ बोलो। आप जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क का जो फ्री फोटो बनाया ना, उसमें भी तो जंक्शन से है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, जंक्शन तो छोटा पार्ट है ना, इलेक्ट्रिक नेटवर्क तो पूरा भर्ती मतलब पूरा एक पार्ट है, तो उसमें तो जंक्शन होगा ही डेफिनेटली। और सर ब्रांच, दोनों एक नेटवर्क तो पूरा कंप्लीट सेटअप है, और ब्रांच क्या होता है कि मान लो दो ठो जंक्शन का बीच में जो नेटवर्क का पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रांच। दोनों जंक्शन का बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का पार्ट होता है उसको कहते हैं मैं ब्रांच। जैसा कि मान लो ये एक जंक्शन है, अंडरस्टूड, सॉरी ये एक जंक्शन है, और मान लो ये एक जंक्शन है,
ये जंक्शन और ये जंक्शन, ये जंक्शन और ये जंक्शन, ये दोनों जंक्शन का बीच में जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क का पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं कि ब्रांच। ये पार्ट को पूरा ले लेते ना, ये दोनों पार्ट का बीच में, राइट? एनी क्वेश्चन प्लीज। सर मतलब इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर जंक्शन लूप ब्रांच सब आ जाएगा। हाँ, ओवरऑल कंप्लीट नेटवर्क होता है ना। गया। तो क्या होता है, मान लो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं, क्या रूल कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसमें क्या बोला है, चलो पढ़ के देखते हैं। बोला है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। एक जंक्शन में जितना करंट हो रहा है ना, इसका सम क्या होता है, इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें है, I1 इसमें है, I2 इसमें है, I3 इसमें है, I4 और इसमें है I5। कितना हो गया इसी तार, वायर कितना जंक्शन हुआ है, पांच का हुआ है, यस और नो? यस सर। सो पांच का जब हो गया तो दैट मीन्स देखो ये जो जंक्शन है, सो इसमें सबका जो सम होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, सबका सम अगर करोगे यू विल गेट अ 0 पॉइंट। मतलब सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू, उसको सेकेंड ढंग से भी बोल सकता है, दूसरे ढंग से भी बोलता है, सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। गेट माई पॉइंट? सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन। क्या होता क्या है, कैसे करके प्रूफ करूं मैं? देखो समेशन ऑफ आई को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। तो बात ऐसा हो जाता है कि कैसे एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो जो करंट निकाल के जाता है ना, जो करंट निकाल के जाता है, ये वाला पार्ट मान लो, ये मान लो I5 जो है, ये क्या हो रहा है, I5 क्या हो रहा है, घुस रहा है इसमें, जो घुस रहा है उसको हम लोग प्लस लेगा और जो निकल रहा है उसको हम लोग लेगा माइनस। क्या क्या निकल रहा है, I1 निकल रहा है, I4 निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, I3 निकल रहा है। मतलब I1 निकल रहा है, I4 निकल रहा है, I3 निकल रहा है, सबका सम करने से क्या होता है, सारे का माइनस है,
घुस रहा है कौन कौन, I2 और I5 निकल घुस रहे हैं। तो I2 plus I5 -I1 -I4 -I3 सबको इकट्ठा करो, ओवरऑल रिजल्ट इज कमिंग 0। देखो हम चले जाते हैं मेरा नोट्स में, मेरे नोट्स में अगर चला जाएगा तुम्हारा इसमें एक क्लैरिटी आएगा। देखो क्या होता है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज 0। इसमें कितना करंट घुस रहा है, I3, I2 एंड I5 घुस रहा है। I3, I2, I5 ये तीनों घुस रहा है। देखो I1 सर ये तीनों नहीं घुस के अलग भी तो घुस सकते हैं। आप कुछ भी घुसाओ ना, कोई बड़ा बात नहीं है उसमें। सब क्यों नहीं घुस रहा है, सब घुस सकता है। तो एक जंक्शन में टोटल अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इन द जंक्शन एंड टोटल अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन विल बी इक्वल। एक जंक्शन में सारे करंट घुस गए, इससे पॉसिबल है क्या? सारे करंट एक जगह एक जंक्शन में आके घुस गया, ऐसा नहीं हो सकता है। फ्यूचर से बोल रहा है तो जंक्शन होगा ही नहीं, सारे करंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। इसमें तो कैलकुलेशन में कौन सा निकल रहा है पहले चलो डिटेक्ट करते हैं। देखो ये निकल रहा है तो दिस विल बी -I1, I6 निकल रहा है दिस विल बी -6, और कौन निकल रहा है -I4 निकल रहा है, राइट। घुस रहा है कौन सा I5 निकल घुस रहा है प्लस, I3 जो घुसता है उसको प्लस कहते हैं, I2 जो है उसको प्लस कहते हैं। तो ये तीनों प्लस है और ये तीनों माइनस है। जरूरी नहीं है कि तीन तीन ही होना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए अच्छा पहले इसको सीख लो। तो टोटल सम टोटल कितना हो गया, सम ऑफ द करंट कितना हो गया 0 हो गया, राइट right? समझ में आया? यस सर। तो ये जब 0 हो गया, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा हटके सोच रहे हैं। मान लो ये जो I4 है ना, ये जो I4 है इसको घुसाओ, I4 जो है इसको घुसाओ, इसको प्लस लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, I4 प्लस हो जाएगा, अंडरस्टूड होगा? तो एंट्री ले रहा है, तो ये साइन कन्वेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द किर्चॉफ्स रूल। किर्चॉफ्स रूल के लिए साइन कन्वेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये अगर करोगे, अगर मैं इसको प्लस लगा दिया तो क्या हो जाता है, देखो हम लोग इसको ऐसा करके लिख सकता है कि टोटल अमाउंट ऑफ करंट एंटर, दो फंडा है ना, मैं बताया ना कि किर्चॉफ रूल का दो कॉन्सेप्ट है, एक है एल्जेब्रिक सम, और नहीं लिख सकते सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो अगर मैं I4 को प्लस लगा दिया, दैट मींस क्या होता है, दे आर एंटरिंग, क्या क्या एंटरिंग होता है देखो, क्या क्या एंटरिंग हो रहा है इसमें, I2 हो रहा है, I3 हो रहा है,
I4 हो रहा है, I2, I3, I4 हो रहा है, I5 हो रहा है, they are all entering in the junction. Leaving क्या होगा, I1 plus I6. This is also in the rule. ऐसा नहीं है कि नंबर इसमें चार ठो इसमें दो ठो है, ये क्यों, ऐसा नहीं है. टोटल अमाउंट ऑफ करंट होता है. सर बोलो. सर तब तो यहाँ में ना मतलब जो एंटर कर रहा है ये करंट वो ज्यादा है ना, अमाउंट का वैल्यू लेकिन इसमें लिखा नहीं हुआ है. अमाउंट का वैल्यू जो है वो तो लिखा नहीं हुआ है. ये चारों को ऐड करने से जो वैल्यू आता है, हो सकता है दोनों को ऐड करने से सेम वैल्यू आ गया आएगा. किरचॉफ का रूल तो वही बोल रहा है, जितना करंट घुस रहा है सिमिलर करंट निकल रहा है, इक्वल. अगर ऐसा नहीं होगा सो ये वैल्यू नहीं होना था. एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट एंटरिंग और लिविंग इन द जंक्शन इज जीरो. एल्जेब्रिक सम बोला है, कोई वेक्टर सम नहीं है, सीधा माइनस सीधा एडिशन बोलते हम लोग जो समझते हैं बस. बोलो हम लोग आईफोन को क्यों घुसा रहे जब वो निकल रहा है? हम लोग का ये कॉन्सेप्ट नहीं होने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ करंट मतलब I1 I2 तीन ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना है. वो कॉन्सेप्ट कैसे तुम लोग को डाइवर्ट कराने के लिए. तुम तीन तो कर ही सकता है, लेकिन चार दो की में क्यों नहीं होगा, फोर और दो हो ही सकता है. छह ठो घुस रहा है उसका तो चार ठो घुस रहा है तुम्हारा, चार टो घुस रहा है दो टो निकल रहा है, हो ही सकता है. लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ करंट शुड बी इक्वल. टोटल अमाउंट ऑफ करंट शुड बी इक्वल. ये वाला जो पार्ट है इसमें चार है, इसमें दो है, लेकिन ये चारों मिलकर जितना एम्पियर आता है ये दोनों मिलकर सेम एम्पियर आएगा, आ सकता है. बोलो क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है. इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह सकता है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल कह सकता है. साइन कन्वेंशन जो है ये कन्वेंशन वाइज ही मैं तुम लोगों को दिखाया कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव. जो टुवर्ड्स द जंक्शन है उसको लेता है पॉजिटिव, और जो करंट फ्लोइंग जो कि अवे फ्रॉम जंक्शन दैट इज टेकन एज नेगेटिव. उसको हम लोग जानते हैं राइट. इसमें वही केस दिखाया है, इसमें इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल कह सकते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कह सकते हैं. अभी घुमा के फिरा के तुम्हें पूछ सकता है, ठीक है? मतलब KCL, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन रूल सारे सेम ही वैल्यू है. चला जाओ इसमें सेकेंड रॉ लॉ में. सेकेंड लॉ इधर से पढ़ो, बेटर होगा तुम्हारा समझने के लिए. एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप. एल्जेब्रिक सम ऑफ आपका आवाज कट रहा है. बाकी लोग का कट रहा है कि मेरा आवाज? नो सर. नहीं सर. हेलो
एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप, कोई भी एक लूप पे जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। मतलब कोई भी एक लूप में, बहुत अच्छे से सुनो, ये दोनों लॉ अगर तुम अच्छे से नहीं जानोगे इसका ऊपर न्यूमेरिकल तुम कर नहीं सकेगा, इट इज गारंटी। एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ मतलब क्या होता है, इप्साइलन होता है। ईएमएफ मतलब क्या होता है, इप्साइलन होता है, इप्साइलन वन, इप्साइलन टू, इप्साइलन थ्री एंड सो ऑन। एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ जिसको हम लोग इप्साइलन वन, इप्साइलन टू, इप्साइलन थ्री एंड सो ऑन होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट, करंट एंड रेजिस्टेंस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। ये प्रोडक्ट है आई वन आर वन, आई टू आर टू, आई थ्री आर थ्री एंड सो ऑन। ये प्रोडक्ट का सेम होता है, इप्साइलन वन इज इक्वल टू आई वन आर वन, इप्साइलन टू आई टू आर टू, इप्साइलन थ्री आई थ्री आर थ्री एंड सो ऑन। बात समझ में आ गया? इसको हम लोग कहते हैं लूप रूल। तो हम लोग क्या करेगा, जब किरचॉफ सेकेंड लॉ पड़ेगा ना, इट इज बेटर सेकेंड पार्ट को पढ़ो और भी जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ो। फर्स्ट पार्ट को पढ़ने से यू विल बी गेट कंफ्यूज हो जाओगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस इन इट। गेट माय पॉइंट? ये होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ और लूप रूल। ये होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ और लूप रूल होता है। लूप रूल पूछ सकता है या फिर किरचॉफ सेकेंड लॉ पूछ सकता है। ठीक है, किसी का कोई पूछना है? नो सर। ओके, अभी साइन कन्वेंशन हम लोग इधर से नहीं पड़ेगा, जब हम न्यूमेरिकल करने जाएगा इसका, उसमें हम लोग थोड़ा साइन कन्वेंशन को देखेगा। साइन कन्वेंशन सेकेंड लॉ का साइन कन्वेंशन को हमको थोड़ा अलग से बोलना है। इसमें जो दिया हुआ है क्या होता है, इप्सिलॉन जो वोल्टेज होता है, वो जब वोल्टेज जो है जो नेगेटिव से घुसता है, मतलब टू द नेगेटिव घुसता है, दैट इज प्लस, इप्सिलॉन का वैल्यू होता है प्लस साइन होता है। जब पॉजिटिव से घुसता है वोल्टेज तब होता है माइनस साइन होता है। ये दिया हुआ है। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल इज पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव पे घुसेगा टू द नेगेटिव जाएगा, दैट मींस विल टेकन ईएमएफ को एज ए हम लोग नेगेटिव पकड़ेगा। अगर हाँ अभी आप क्या बोले, और एक बार बोलिए ना, मेरा मैं ये बोल रहा था, ये जो साइन कन्वेंशन है एक बार इसको देख लो, हम लोग प्रोसीड करेगा शाम का समय और भी अच्छे से समझ में आएगा। ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रावर्सल इज फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द
नेगेटिव टर्मिनल जब जा रहा है, मतलब जब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है, दैट मींस क्या होता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल विल बी नेगेटिव। दैट मींस क्या होगा, ईएमएफ ऑफ ए सेल विल बी नेगेटिव इफ ट्रावर्सल इज फ्रॉम इट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और क्या होता है, उल्टा होने से पॉजिटिव होगा, उल्टा होने से क्या होता है पॉजिटिव होगा, मतलब अगर ये नेगेटिव पे घुस रहा है इसको पॉजिटिव होगा, और इसमें क्या होता है नेगेटिव ईएमएफ होता है, अगर वोल्टेज इधर से इधर घुस रहा है, बैटरी का पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पे जा रहा है वोल्टेज, सो उसमें क्या होता है कि नेगेटिव ईएमएफ पकड़ते हैं। क्लियर फर्स्ट पॉइंट सर? हाँ क्या ट्रैवर्सल मतलब? ये जो एरो निकल के जा रहा है ना, लाइन जो क्रॉस करके जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है देखो फर्स्ट वाला जो पॉइंट हम तीन नंबर पॉइंट पढ़ रहा था, सेकेंड पॉइंट को एक बार देखो, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रावर्सल, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। क्या होता है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जब होता है तब उसको हम लोग क्या लेते हैं, ईएमएफ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो ये वाला जो चार्टो पॉइंट है, चारों पॉइंट्स न्यूमेरिकल के लिए इज वेरी मच इम्पोर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल के लिए। सर आपका साउंड डबल आ रहा है, नहीं आएगा अभी। देखो फर्स्ट क्या होता है, अभी डबल आ रहा है? नहीं अभी। क्या होता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल को पॉजिटिव लेते हैं जब करंट क्या होता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, और क्या होता है जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तब ईएमएफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को हम लोग पकड़ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनो ये सब लॉजिक, अगर लगेगा तो ये सब लॉजिक हम न्यूमेरिकल समय में हम लोग देखेगा। फर्स्ट पॉइंट, वी कैन टेक एनी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं करंट फ्लो का, तब हम लोग जब क्लॉकवाइज लेगा तब हम लोग ऐसा साइन ड्रॉ करूंगा सर्किट के अंदर, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेगा तो उस समय ये डायरेक्शन को ड्रॉ करूंगा मैं, राइट मेरा मर्जी हम कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं। हाँ गेन बोला तो कुछ बोल रहा था, बता लो सर। ट्रैवर्सल जो वोल्टेज है ना, जो करंट फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्शन, सर्किट में जो करंट फ्लो होता है ना उसका डायरेक्शन, वो करंट फ्लो पॉजिटिव वोल्टेज टू पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में निकाल रहा है, सो उसका तब ईएमएफ को तुम रखेगा एज ए पॉजिटिव, करंट फ्लो का डायरेक्शन को ट्रैवर्सल कहते हैं। ठीक है, मेरा जो ये सब वर्ड को तुम याद रखो, तुम लोग न्यूमेरिकल्स का समय में तुम्हारा क्लियर आएगा, करंट फ्लो हो रहा है ट्रावर्सल, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव घुस रहा है सो देन इट इज पॉजिटिव, गलत बोल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव घुस रहा है देन इट इज पॉजिटिव, अगर करंट फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है बैटरी का देन इट इज नेगेटिव ईएमएफ। बोलो क्या क्वेश्चन है सर? करंट तो सर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, उल्टा भी होता है, तो इसमें हम लोग उल्टा भी होता है, हाँ उल्टा भी होता है, इसमें ले सकते हैं, सॉरी बोलो, मतलब सिर्फ इसमें ले सकते हैं ना दोनों कंडीशन, लेकिन हाँ नहीं नहीं दोनों नहीं होते ना, किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहा है तो हम लोग, किरचॉफ्स लॉ की तुम्हारा कांसेप्ट बिगड़ जाएगा, अभी इतना दिन जो सीख क्या है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, अब किरचॉफ्स लॉ का जो सर्किट डिजाइन करेगा देखो उसमें देखोगे कि उल्टा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, हम लोग क्लास 10 पे पढ़ा है, देखा पॉजिटिव से नेगेटिव,
अभी तक जो पढ़ के आया है सब जगह मैंने देखा पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, इसीलिए ये लॉजिक सिखा रहा है मैं तुम लोगों को। तुम्हारा क्वेश्चन इज वेरी मच वैलिड। हम लोग तो बचपन से सीखते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, उल्टा पॉसिबल है क्या? यस इट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है, समझ गए? Yes, जब तुम सर्किट सर्किट में साउंड्स करने जाओगे क्लैरिटी आएगा, हाँ ये तो हो रहा है। लेकिन बात वही है तुम लोग का, अभी ये किरचॉफ लॉ पढ़ने का पहले तक तुम लोग को जानता ही था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जा रहा है, उल्टा नहीं हो सकता है। किरचॉफ लॉ के सब कुछ उल्टा उल्टा कर दिया जो सीखा था। देखा कि और भी इन एडिशन हम लोग नया चीज सीख रहे हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल भी जैसे जाता है, फिर नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल भी आ सकता है, ठीक है? Yes, sir. And the last one, but not least, current resistance, मतलब I into R, product is taken as positive if the resistor is traversed in the same direction. If the resistor is traversed in the same direction of the assumed current. हम जो assume current किया है, IR का direction अगर same होगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि it is taken as positive. It is taken as positive. हम लोग जो assume current का flow assume कर रहे हैं, ये वाला part जो हम लोग assume कर रहे हैं, this ये part, ये जो दिखा रहा है हम, ये क्लॉकवाइज वी आर एज्यूमिंग, ये हमारा हाथ में है, हम कौन सा साइड में घुमाएगा वो कंप्लीटली मेरा चॉइस है, मेरा मतलब हम लोगों का ही चॉइस है हम लोग कौन सा साइड में घुमाएगा, दैट इज कॉल्ड एज्यूम करेंट। हम लोग एज्यूम करेंट का साथ अगर करेंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट अगर सेम डायरेक्शन होगा, देन आई आर इज टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है? इंजन तुमको एक सर्किट दिया ही जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो दिखाएगा, लेकिन तुम पूरा सर्किट में एंटी फ्लो एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं कि क्लॉकवाइज करना चाहता है, सब कुछ तुम्हारा हाथ में है। राइट ये हो गया हम लोग का किरचॉफ्स लॉ का रूल्स, साइन कन्वेंशंस इसका ऊपर खड़ा है। और ये भी फिफ्थ पॉइंट है जो मैं बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था कि आई आर प्रोडक्ट इज टेकन एज नेगेटिव इफ द रजिस्टर इज ट्रांसवर्स्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम करंट। इसमें देखिए ये सर्किट देखने से पता नहीं चलता है, इसमें सर्किट देखोगे तो बुरा गड़बड़ हो जाएगा, एज्यूम करंट देख के पता चलिए। इसमें फोर और फाइव का सर्किट मत देखो, ये जो सर्किट ड्राइंग करके रखा है ये देखोगे और इसको पढ़ोगे पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। एज्यूम करंट मतलब मैं जो बोल रहा था फर्स्ट पॉइंट में, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं करंट को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं करंट को, राइट? अभी मैं जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा बट करंट का फ्लो देख रहा है ऑपोजिट जा रहा है, देन आई और आर प्रोडक्शन, आई और आर प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, ये रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो होता है तो टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस पे, दैट इज आई इनटू आर, दैट इज आई इनटू आर, राइट? और ये वाला जो पार्ट हो रहा है ये क्या हो रहा है, माइनस आई इनटू आर, किस लिए होगा, अगर मैं जो एज्यूम करंट था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा, दैट मींस इट विल टेकन एज नेगेटिव। ये डायरेक्शन मान दो कि प्लस टू माइनस जाने से नेगेटिव होगा, माइनस टू प्लस जाने से, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तुम्हारा जो एज्यूम करोगे पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ये होता है जब भी कोई रेजिस्टेंस थ्रू करंट फ्लो होता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है पोटेंशियल को
एब्जॉर्ब करता है, सम वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कितना अमाउंट वोल्टेज एब्जॉर्ब करता है, दैट इज आई इन टू आर, ओम्स लॉ. एक रेजिस्टेंस थ्रू करंट फ्लो होने से कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, दैट इज आई इन टू आर. क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ जानता है, V इज इक्वल टू आई आर. डिड यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. Anybody has any question, please? Sir, एक और बार बोलिए ना. किसको? ये फाइव को. फाइव मतलब वही है, हम लोग फाइव और फोर मोर और लेस सेम ही है. सर्किट में जब हम आएगा, अगर हम लोग एज्यूम करंट को क्लॉकवाइज ले रहे हैं, बट तुम देख रहे हो कि सर्किट में जो फ्लो का जो डायरेक्शन दिया है करंट का, वो अपोजिट है. मेरा डायरेक्शन का साथ उसका डायरेक्शन अपोजिट है. Then potential drop will be negative. Potential drop कितना होता है? Resistance through जब current flow होता है, उसका जो value होता है, resistance current flow अगर I होगा और resistance R है, तो कितना voltage drop होगा? I into R. कितना बार voltage drop होगा? I into R होगा. हाँ. Clear? हम्म. ये होता है concept. अभी हम anti-clockwise direction में घुमाएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ये कंसेप्ट फुल्ली मेरा हाथ में है, इन लोग का हाथ में नहीं है. सर्किट में जो भी डायरेक्शन दे दो, मैं अपना मर्जी से घुमाऊंगा. तो सर, आईआर भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो भी तो हम लोग का हाथ में ही है. हाँ, अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आता है. तुम एंटी क्लॉकवाइज लेके काम करने से जो होगा, क्लॉकवाइज लेके काम करने से सेम ही रिजल्ट आता है. इनिशियली देखेगा शायद इक्वेशन डिफरेंस आ रहा है, बट लास्ट में जाके देखेगा रिजल्ट सेम ही है. मान लो तुम दिया है कि एंटी एक करंट फ्लो दिया है, तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तुम्हारा दोस्त घुमा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन दोनों का रिजल्ट अल्टीमेटली जाके सेम ही होगा. इसीलिए इस जगह में फ्लेक्सिबल रहो, तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या क्लॉकवाइज घुमाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. समझ गए? मतलब बेकार में सिलेबस बड़ा करने के लिए. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो ये पार्ट को, बिल्कुल ही बेकार नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये. हम लोग एक न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल्स करने जा रहा है, देखो क्या होता है. बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होता है, किरचॉफ्स लॉ इज वेरी गुड. एनसीईआरटी के एग्जाम्स करने जा रहा है, देखो बोल रहा है नेटवर्क PQRS. बहुत अच्छा से ये ड्राइंग को देखो, PQRS ड्राइंग दिया है. वो लोग ऑलरेडी फ्लो देखे रखा है, वो लोग ऑलरेडी फ्लो देखे ही रखा है. देखो तार का ऊपर से जो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो कर्व दिया है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो कर्व दिया है, दिस वन, ये हम लोग किया है, ये हम लोग किया है. लेकिन ये जो एरो दे रहा है, ये तार थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, ये लेकिन इन लोग किया है, हम लोग नहीं किया. ये फर्स्ट जो न्यूमेरिकल साइड इज वेरी गुड, किरचॉफ्स लॉ पूरा क्लियर हो जाता है इससे. सॉरी, उल्टा फ्लो हो रहा है ना किस में? नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो ही सकता है, हम तो वही बोल रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो ही सकता है. मैं बोल रहा है ना, हम लोग किरचॉफ्स लॉ का बूस्टर का क्वेश्चन का आंसर सुना नहीं है? बूस्टर जो क्वेश्चन कर रहा है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो सकता है क्या? किरचॉफ्स लॉ पढ़ने का पहले तक हम लोग जानते था ऑलवेज करंट पॉजिटिव, बैटरी का टर्मिनल का पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही फ्लो होता है. जब हम लोग किरचॉफ्स लॉ सीख लिया तब देखा है नहीं, कांसेप्ट पूरा बिगड़ के बैठ गया. हम लोग जो सीख के आया कि ऑलरेडी ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हो रहा है, नहीं उल्टा भी हो सकता है. किरचॉफ्स लॉ हम लोग को वही सिखा रहा है. समझ गए? नेटवर्क PQRS इज मेड एज अंडर लाइक दिस, PQ एज ए बैटरी, PQ has a
बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। पीक्यू में क्या दिया है, क्या 4 वोल्ट दिया हुआ है, ये जो बैटरी दिया हुआ है 5 वोल्ट दिया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस दिया है 200 ओम और इसमें रेजिस्टेंस दिया है 60 ओम, ये वाला पार्ट दिया है 20 ओम। मुझे दिखाना पड़ेगा इसका थ्रू से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मुझे दिखाना पड़ेगा इसका थ्रू से कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। पूछा है कैसे करके, मिली एमीटर एक बैठा हुआ है इसका पास में, 20 ओम रेजिस्टेंस का पास में एक मिली एमीटर बैठा हुआ है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मिली एमीटर, मतलब आई वन थ्रू कितना करंट फ्लो होगा वो निकालो। सीधा वही बोल सकता है, वो सब नहीं बोल के बोला है कि मिली एमीटर को बैठा रहा है 20 ओम रेजिस्टेंस का पास में, बताओ इसमें कितना एम्पियर करंट शो करेगा। तो सीधा बोलने से ही हो जाता है कि 20 ओम रेजिस्टेंस जो है उससे कितना करंट फ्लो होता है, बस एंड। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना है, 20 ओम रेजिस्टेंस थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको दिखाना है। चलो कर लेते हैं हम लोग। अभी क्या किया है हम लोग, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट में नहीं जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो क्लॉकवाइज लिया है हम लोग दोनों को ही क्लॉकवाइज दिया है। तुम लोग बाद में जब इसको मैं करा दूंगा सीख जाओगे, तुम लोग दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं या फिर एक को क्लॉकवाइज और दूसरा को एंटी क्लॉकवाइज लेके देखो, हर केस में रिजल्ट सेम ही आएगा, इज गारंटेड, क्योंकि मैं खुद करके देखा है। ये जो दोनों ही क्लॉकवाइज लिया है तो इसमें जो रिजल्ट आता है, तुम अगर दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज लोगे या फिर एक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओगे और एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओगे, अल्टीमेटली एंड ऑफ द सम्स रिजल्ट विल कम सेम। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पी आर क्यू पी लूप को हम लोग ले लिया है, पी आर क्यू पी ये लूप को लिया है। तो देखो इसमें, जस्ट अ मिनट, इसमें देखो क्या होता है, ये जो लूप है इसमें क्या होता है, तो देखो हम लोग क्या लिया है, हम लोग पी आर क्यू पी लूप लिया है, हम लोग क्या लिया है, पी आर क्यू पी लूप लिया है। फर्स्ट थिंग देखो, वोल्टेज का जो डायरेक्शन है ना वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। वोल्टेज का डायरेक्शन पी आर क्यू पी, वोल्टेज का डायरेक्शन करंट फ्लो कैसे हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो हम लोग सीखा था पहले वाला पेज में, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा करंट फ्लो होगा, तब हम लोग वी विल टेक द वोल्टेज, विल टेक द ईएमएफ एज पॉजिटिव वैल्यू, अकॉर्डिंगली वी हैव टेकन, राइट। और ये बोल रहा है हम लोग जो ये लूप लिया है, दिस इज आवर एज्यूम्ड, वी हैव एज्यूम्ड इट। तो हम लोग देखेगा कि हर वोल्टेज, हर जितना रेजिस्टेंस है उसका इक्वेशन बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बिना वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, रेजिस्टेंस बिना वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो इसमें देखो 20 ओम जो है ना, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से जब करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है, ये जगह में देखो अगर आई वन करंट फ्लो होगा तो दूसरा जगह में क्या होगा, I माइनस आई वन होगा 100%। एक लाइन से अगर I वन जाएगा दूसरा लाइन पे क्या होगा, I माइनस आई वन जाएगा कि नहीं। तो इसमें फर्स्ट लूप का, लेकिन हम लोग कौन सा लूप लेके काम कर रहे हैं, पी आर क्यू पी लूप लिया है। तो हम लोग का जो एज्यूम्ड डायरेक्शन है उसका साथ जो ये डायरेक्शन है, जो गिवन डायरेक्शन इसमें है,
और हम लोग का एज्यूम जो डायरेक्शन है दोनों सेम होने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। तो हम लोग देखा था आई आर पॉजिटिव है एज वेल एज जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब जिसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। सिंपल बात है, हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि प्लस होगा कि माइनस होगा, बड़ा सिंपल सा कहानी है। इधर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, करंट कितना आ रहा है, आई। कैसे आ रहा है आई, क्योंकि तो ये जो आई वन निकल लिया था इसमें आई माइनस आई वन चला गया। ये आई देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ो, नेग्लिजिबल होता है। इधर जा रहा है आई माइनस आई वन, ये फ्लो हो रहा है तो ये जाके अल्टीमेटली जो निकाल के आ रहा है आई, इधर पोटेंशियल ड्रॉप पड़ा के करंट फ्लो हो गया, करंट ड्रॉप नहीं होता पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो करंट जाके इधर जो मिल रहा है क्योंकि तो इधर से आई वन जा रहा है और इधर से आई माइनस आई वन जा रहा है, दोनों को एड करने से क्या होता है, आई माइनस आई वन प्लस आई वन क्या बनता है, आई बनता है। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला जो आई हो गया, अभी इतने पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, आई इंटू 60, सो दैट इज आई इंटू 60 हो गया, क्लियर। और मेरा एज्यूम डायरेक्शन के साथ ये डायरेक्शन मिल रहा है, इसीलिए आई हैव टेकन प्लस, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में जाओगे, सिमिलरली फ्रॉम द लूप पीएसआरपी, तो फर्स्ट इक्वेशन मेड हो गया, सेकेंड इक्वेशन हम लोग मेड कर रहे हैं कैसे करके, देखो देखो जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। हम लोग इधर एज्यूम डायरेक्शन क्या लिया है, एज्यूम डायरेक्शन इधर भी क्लॉकवाइज ही लिया है। तो क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज मैं लूंगा ना तो क्या होता है, इसमें 200 और अच्छा फर्स्ट वोल्टेज को देख लो, वोल्टेज कहां पर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव घुस रहा है। अगर करंट जिसको तुम लोग ट्रावर्सल बोल रहा था, ट्रावर्सल में तो करंट घुस रहा है, करंट अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो व्हाट साइन विल बी देयर, माइनस होगा, माइनस होगा। और इसमें जो निकल रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस मिल गया मतलब पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप, इसका साइन क्या होगा, हम लोग का एज्यूम का जो डायरेक्शन है और ये आई माइनस आई वन और 200 का जो इनटू होगा, मतलब आई आर होता है ना, आई आर इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, आई आर इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, आई मतलब दिस और आर मतलब दिस, ये दोनों का इनटू होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, वी इज इक्वल टू आई आर, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से। तो ये वाला पार्ट आ गया, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि हम लोग का डायरेक्शन और ये लोग का डायरेक्शन दोनों सेम है, क्योंकि मैं बोला था एज्यूम्ड डायरेक्शन, एज्यूम्ड डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगा, इलेक्ट्रिक वायर का डायरेक्शन गिविन डायरेक्शन एंड एज्यूम डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगा देन इट विल बी पॉजिटिव। सो आई हैव टेकन इट पॉजिटिव, यस। तो ये करंट जो इधर से जा रहा है जाके इधर फ्लो होगा, अकॉर्डिंग टू ये जो है ये इधर से इधर फ्लो होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इसमें गिवन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, लेकिन तुम जो एज्यूम किया है वो तो इधर है, तो ऑपोजिट मिल रहा है बोल के, इसीलिए साइन क्या होगा, इधर माइनस, माइनस। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है, आई वन करंट फ्लो हो रहा है, ये सर कितना आई वन करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई इन टू आर, सो आई इन टू आर मतलब 20 इंटू आई वन,
That's it. Is equal to minus. Clear है? Equation making clear है? Yes. तो minus पर क्यों हुआ? माइनस में भी इसीलिए हुआ है जब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ने गया था. करंट फ्लो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव घुसेगा तब वैल्यू ईएमएफ का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है. पढ़ा था उसमें. करंट फ्लो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव घुस रहा है तब ईएमएफ का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव. सो अकॉर्डिंगली द नेगेटिव हुआ है. बताओ एनी क्वेश्चन. क्योंकि इधर डायरेक्शन ऊपर ऊपर वाला जो है उसमें ईएमएफ है. नहीं है ईएमएफ का वैल्यू बोल रहा है मैं. ये वाला जो वैल्यू है वो ईएमएफ का वैल्यू. बी केयरफुल. EMF का वैल्यू माइनस प्लस और पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है दोनों का माइनस प्लस होने का रीजन कंप्लीटली डिफरेंट होता है. दोनों को कंफ्यूज मत करना. क्या होता है EMF का वैल्यू का साइन कन्वेंशन क्या होता है. व्हेन करंट फ्लोस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देन द EMF विल बी नेगेटिव. So, ये वाला जो पार्ट होता है दिस पार्ट ठीक है. दिस इज ईएमएफ माइनस फाइव. डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर. प्रिया इज दैट क्लियर फॉर यू? वो पीएसआरपीएम में तो सर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना. रुको रुको कौन सा पीएसआरपी? हाँ पीएसआरपी जो है पीएसआरपी मतलब तुम्हारा एज्यूम करंट क्या किया था दिस ये डायरेक्शन तुम एज्यूम किया था. अब फ्लो कहां पे जा रहा है? आप किसका बात बोल रहा है? ईएमएफ का बात बोल रहा है कि रेजिस्टेंस का बात बोल रहा है? ईएमएफ. हाँ तो हम लोग जानता है जब पॉजिटिव टू नेगेटिव घुसेगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करेगा तब क्या होता है वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव लिखा है ना मैं. ओ सर समझ गया. और ये वाला पार्ट क्लियर है? हाँ. ये क्या हो रहा है? हमारा डायरेक्शन है दिस. हमारा डायरेक्शन है दिस और ये गिवन डायरेक्शन और एज्यूम डायरेक्शन सेम मिल गया. मिल गया मतलब पॉजिटिव होगा तो इसीलिए पॉजिटिव हुआ है. और ये वाला जो पार्ट है इधर से करंट फ्लो मेरा एज्यूम डायरेक्शन क्या है इधर से करंट का फ्लो ये होना चाहिए था. करंट का भी ये होना चाहिए था बट गिवन क्या है नहीं मिल रहा है तो ऑपोजिट हो गया इसीलिए माइनस. गेट माय पॉइंट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी प्लीज. सर ये 20 वाला को बताइए ना. 20 वाला वही है. तुम्हारा एज्यूम डायरेक्शन कौन सा है? देखो ग्रीन कलर है एज्यूम डायरेक्शन. ये जो मैं अभी ड्राइंग कर दिया ग्रीन कलर जो है दिस इज योर एज्यूम डायरेक्शन दिस पार्ट. क्योंकि तुम्हारा तुम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पकड़ा था ना तो दिस इज योर एज्यूम डायरेक्शन. लेकिन गिवन डायरेक्शन क्या है रेड कलर कह रहो. दोनों कंप्लीटली डिफरेंट. तो दे आर डिफरेंट बोल के साइन हो गया माइनस. क्या साइन माइनस हो गया?
whenever given direction or assumed direction opposite hoga, then fine kya ho jayega? Jo potential drop will be negative. So potential drop negative ho gaya na? समझ के बोलो, अगर समझ के हाँ मत बोलो. ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है इट इज नेगेटिव क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया. सो इसीलिए नेगेटिव हो गया. अब देखो कि ये वाला जो पार्ट है इसको भी सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई करके देखो दोनों इक्वेशन निकल गया. एक इक्वेशन है ये और एक इक्वेशन है ये. ये दोनों इक्वेशन से हमें आई वन निकालना है. ये दोनों इक्वेशन से हमें निकालना क्या है? आई वन निकालना है. वो तो कैलकुलेशन तुम लोग कर ही पाएगा, सिंपल बात है. ठीक है, तो आई वन फाइंड कर लो, हो गया. यही होता है किरचॉफ्स लॉ का कंसेप्ट. बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना.